तो हाँ भाई करें शुरू। तो आज हम करने वाले हैं दो ऐसे फोन को कंपेयर जो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये फ्लिप होने वाले फोन। और कुछ टाइम पहले हमने मोटरोला रेजर 40 अल्ट्रा का कंपैरिजन करा था सैमसंग फ्लिप 4 से, काफी लोग भड़क गए फ्लिप 5 आया भाई उससे कंपेयर करना। तो देखो फ्लिप 5 जब लॉन्च नहीं हुआ था, अब लॉन्च हो गया, अब हम भाई दोनों को यूज कर चुके हैं अच्छे से। 15 दिन से भी ज्यादा हमने दोनों को यूज करा है पर्सनली अपनी सिम लगाकर। तो ये काइंड ऑफ अ रिव्यू भी है जिससे आपको ये पता लगेगा मार्केट में आज के टाइम में कौन सा बेस्ट फ्लिप फोन है। तो वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब करना, और अगर हमारी वीडियो को लेकर आपको कोई रिव्यू है तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। अब देखो फ्लिप फोन और फोल्ड फोन में ना एक चीज तो जरूर आती है दिमाग में, भाई बिल्ड कैसी है। तो सैमसंग ने देखो हिंज और साइड का फ्रेम एल्युमिनियम का यूज करा है, मोटरोला ने साइड का फ्रेम करा एल्युमिनियम का यूज, लेकिन जो हिंज है वो स्टेनलेस स्टील की है। तो यहाँ पर मोटरोला के पास पॉइंट है, लेकिन सैमसंग के पास पॉइंट है ग्लास में, क्योंकि इसने विक्टस 2 का ग्लास यूज करा है और वहीं पर जो मोटरोला है उसने विक्टस 1 यूज करा है। तो भाई दोनों के पास अपनी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है बिल्ड के मामले में, बट दोनों काफी ड्यूरेबल फील होते हैं। अब यहाँ पर जो मेरे को पर्सनली एक्सपीरियंस हुआ दोनों फोन को यूज करने में वो है दोनों का टेक्सचर। लाइक सैमसंग अभी भी वही पुराने लुक के साथ आता है, मैट फिनिश आपको ब्लैक कलर में मिलती है, यहाँ पर सिर्फ आपको शाइनी फिनिशिंग मिलती है दूसरे कलर में। एंड वहीं पर मोटरोला का जो ये वाला मेरे पास कलर है ना वीवा मैजेंटा, भाई इस पे क्या ही टेक्सचर मिलता है, विदाउट कवर भी चलाओ कोई फिंगरप्रिंट नहीं लगते, ग्रिप बहुत बढ़िया बनती है, और जो ये वीगन लेदर टेक्सचर है ये काफी प्रीमियम फील होता है। और ये वाला जो स्पेशली कलर है ना, काफी लोगों ने मुझसे पूछा है रोक रोक के कि भाई कौन सा सैमसंग का कलर है कौन सा, क्योंकि भाई सैमसंग का ही पता है अभी तक लोगों को, फ्लिप फोन आ रहे मोटरोला का काफी कम लोगों को पता है। तो जब मैंने मोटरोला बताया भाई पर्सनली उन्हें वो फोन पसंद आया है देखने में। तो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप बताना आपको किसका डिजाइन ज्यादा बेहतर लगा। अब यहाँ पर ये तो गई बाहर वाली बिल्ड की, अब अंदर वाली बिल्ड की बात करें तो अंदर तो भाई फोल्ड होने वाली डिस्प्ले, तो यहाँ पर कहीं ग्लास होगा, तो यहाँ पर प्लास्टिक फिल्म लगा के देती है कंपनी और ऊपर से एक स्क्रीन गार्ड भी लगा के देती है। लेकिन भाई बाहर वाले कवर डिस्प्ले पे कोई भी स्क्रीन गार्ड नहीं मिलता, नहीं फ्लिप पे नहीं फोल्ड पे, जिसकी वजह से हमें बाहर मार्केट से खरीदना पड़ता है और उनकी क्वालिटी काफी खराब होती है, लगाना हार्ड होता है, क्वालिटी खराब कर देते हैं डिस्प्ले की, टच भी अच्छे से नहीं चलती। तो मैंने तो अपने सैमसंग के फोनों पे स्पीगन का स्क्रीन गार्ड लगा दिया, स्पीगन ने लॉन्च करें ये भाई ने लगाना काफी आसान है, आप खुद भी लगा सकते हो घर पे, क्वालिटी खराब नहीं होती और टच भी मस्त ले रहे हैं। और स्पीकर के ना कैमरा प्रोटेक्टर भी आते हैं फ्लिप और फोल्ड के लिए, जिन्हें लगाना भी काफी इजी है और उसके लगाने के बाद ना कैमरे की क्वालिटी भी खराब नहीं होती। एंड बेस्ट पार्ट ये है आप इसे केस के साथ भी यूज कर सकते हो, और भाई केस के साथ दिक्कत ये होती है जो फोल्ड फोन है ना उनके केस अच्छे नहीं आते, मतलब हिंज में डस्ट घुस जाती है, लेकिन स्पीकर ने इसका भी उपाय निकाला, इन्होंने नया केस लॉन्च करा है जिससे हिंज भी कवर होती है, जैसे आप अनफोल्ड करते हो तो वो वाला पार्ट उठ के ऊपर की तरफ आ जाता है और जैसे फोल्ड करोगे भी नीचे की तरफ चला जाएगा। और इस कवर के ना 3 कलर ऑप्शन और अवेलेबल है, हालांकि ये वाले केस थोड़े से बल्की होते हैं बट भाई क्या ही ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि ये 360 कवर करने वाले केसेस हैं। लेकिन अगर आपको बल्की नहीं करना है फोन तो इनकी एयर सीरीज भी आती है जो मैं यूज कर रहा हूं अपने फ्लिप 4 पे, भाई इनका पता नहीं लगता केस लगा हुआ है, काफी लाइट वेट है और फोन को भी अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं, जिसके अंदर काफी सारे कलर ऑप्शन है। वैसे सीरीज में ना 3 कलर है मेरे पास और मेरा फेवरेट है ट्रांसपेरेंट बैक वाला, ऐसा फील देता है जैसे भाई फोन पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया हो, सिर्फ नीचे से नहीं ऊपर से भी कर सकते हो, QR कोड मिलता है उसे स्कैन करोगे तो कवर डिस्प्ले के लिए भी वॉलपेपर डाउनलोड हो जाएगा, फिर पूरा ही फोन एस्थेटिक लुक देता है, ऐसा लगता है जैसे नथिंग ने फोल्ड निकाल दिया हो, पर नथिंग तो पता नहीं कभी निकालेगा। और इस तरीके के केसेस ना फोल्ड 5 के लिए भी अवेलेबल हैं। और अच्छी बात यह है कि ये केसेस के साथ आप वायरलेस चार्ज भी कर सकते हो, कोई कमी नहीं आएगी। तो अगर आपको अपने फ्लिप या फोल्ड के लिए स्पीकन के केसेस बाय करने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, अभी कुछ डिस्काउंट चल रहा है वहां से जाके बाय कर सकते हो। अब चलते हैं यहाँ पर, मेरे को जो एक और डिफरेंस नोट हुआ है दोनों ही फोनों में वो है हिंज को लेकर। जब आप फोन को फोल्ड या अनफोल्ड कर रहे हो ना वहां पर पता लगेगा कि सैमसंग काफी स्मूथली फोल्ड और अनफोल्ड हो जाता है, लेकिन मोटरोला में क्या है थोड़ा सा हमें फोर्स लगानी पड़ती है एक पॉइंट तक, उसके बाद वो खुद ही ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से मोटरोला का और इसके हिंज के मैकेनिज्म में साफ डिफरेंस नोट होता है कि दोनों का हिंज मैकेनिज्म अलग है और मोटरोला थोड़ा ज्यादा ड्यूरेबल है ओपन और क्लोज होने में, क्योंकि उसे बंद करते टाइम भी आपको बस स्टार्टिंग में थोड़ी सी फोर्स लगानी है बाकी वो खुद बंद हो जाएगा। लेकिन उसकी डिसएडवांटेज ये लाइक सैमसंग में किसी भी पॉइंट पे होल्ड कर सकता हूं, मोटरोला एक पॉइंट तक ही होल्ड होता है उसके बाद वो खुद ही खुल जाता है। और सैमसंग ने इस बार बोला था ना हमने बीच में गैप बिल्कुल नहीं दिया, तो देखो थोड़ा थोड़ा गैप मोटरोला और सैमसंग दोनों में मिलता है और दोनों में इक्वल ही गैप है। इसके अलावा जो मैंने एक और डिफरेंस नोट करा है दोनों के बीच में वो है क्रीज साइज, भाई सैमसंग का क्रीज साइज आज भी सबसे ज्यादा मिलता है। और ये बात भी मैं बता दूं कि मोटरोला के कंपैरिजन में मैंने इसको लेट यूज करने स्टार्ट करा है, क्योंकि बाद में लॉन्च हुआ था, मोटरोला को मैं फर्स्ट डे से यूज कर रहा हूं, बल्कि लॉन्च से भी पहले से, क्योंकि हमारे पास आ गया था। अब रिव्यू नहीं था इसका मतलब ये नहीं हम बायस्ड हो गए हैं। खैर यहां पर आप साफ देख सकते हो, आप किसी भी एंगल से देखोगे मोटरोला में लगता ही नहीं है क्रीज है, हल्का सा दिखेगा वो भी एक पर्टिकुलर जब पॉइंट पर लाइट आएगी उसके बाद। और यहां तक कि मोटरोला के पास एंटी ग्लेयर कोटिंग है जिससे रिफ्लेक्शन कट होता है, सैमसंग ने अभी तक नहीं दी है, जिसकी वजह से जब आप आउटडोर फोन यूज करोगे तो रिफ्लेक्शन सैमसंग की डिस्प्ले में ज्यादा मिलते हैं। और ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है फोल्ड और फ्लिप फोन के पास, क्योंकि भाई प्लास्टिक लेयर होती है जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन ज्यादा आते हैं, ये मैंने पहले ही बताया आपको। तो सैमसंग को एंटी ग्लेयर कोटिंग देनी चाहिए थी और ये नगर पालिका गड्ढा भी कम करना चाहिए था। और ऊपर से मेरा सैमसंग के फ्लिप और फोल्ड के साथ जो एक्सपी
एक्सपीरियंस है। यहाँ तक कि एक भाई भी मिले थे, उन्होंने बताया था कि भाई एक साल में एक बार डिस्प्ले चेंज करानी ही पड़ती है। और आपको मेरे बारे में तो पता ही होगा अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, मैंने भी भाई हर साल ही डिस्प्ले चेंज कराई है। इस साल फ्लिप की कराई थी क्योंकि इस साल मैंने फ्लिप यूज करा, उससे पहले फोल्ड यूज करा था उसकी चेंज कराई थी। और सिर्फ क्रीज का साइज ही नहीं भाई, मोटोरोला के साथ सीन ही है, जब आप उसे बैक से भी टच कर रहे हो ना तो उसके बैक में गैप नहीं रहता है, जिसकी वजह से वो नॉर्मल फोन ही लगता है यूज करते हुए, और फिंगर से चलाते तो क्रीज का पता ही नहीं लगता, जिसकी वजह से मैंने काफी बार उसे अनफोल्ड करके रख दिया नॉर्मल फोन समझ के। लेकिन इसमें पता लगता है साफ, चलाते फिंगर से भी क्रीज फील हो जाती है और बैक से भी अलग ही डिफरेंस नोट हो जाता है कि हाँ भाई आप एक अलग ही फोन चला रहे हो। अब मेन डिस्प्ले की बात चली रही है तो इसे खत्म ही कर देते हैं। दोनों में फोल्ड डिस्प्ले हमें पता है, लेकिन यहाँ पर मोटोरोला यूज करता है फोल्डेबल LTPO AMOLED पैनल, दोनों ही फुल HD डिस्प्ले है, लेकिन यहाँ पर जो मोटोरोला का स्क्रीन साइज है वो 6.9 इंच का है। और वहीं पर सैमसंग यूज करता है फोल्डेबल डायनेमिक AMOLED 2X पैनल, ये भी फुल HD डिस्प्ले है, लेकिन इसका जो साइज है वो 6.7 इंच का है। अब इसके अलावा जो एक और डिफरेंस आता है दोनों के बीच में वो है बिट रेट। जो सैमसंग की डिस्प्ले है वो 8 बिट कलर शो कर सकती है, मतलब 16 मिलियन कलर्स की शेड दिखा सकती है। वहीं पर जो मोटोरोला है ये 10 बिट डिस्प्ले है, यानी कि इसके अंदर आप 1 बिलियन कलर की शेड देख सकते हो। तो नंबर ऑफ कलर्स भाई मोटोरोला की डिस्प्ले के पास ज्यादा है। ऊपर से मोटोरोला के पास एक चीज और ज्यादा है, वो है रिफ्रेश रेट। यहाँ पर मोटोरोला 165 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, हालांकि चलता 144 हर्ट्ज ही है। 165 हर्ट्ज गेमिंग में ही सपोर्ट करता है, जो गेम हाई रिफ्रेश रेट 165 हर्ट्ज जैसे रिफ्रेश रेट को हैंडल कर पाते हैं उसके अंदर, और यहाँ पर सैमसंग के अंदर 120 हर्ट्ज। अब यहाँ पर जिसकी वजह से जब आप चलाओगे तो 144 हर्ट्ज मोटोरोला का ज्यादा स्मूथ फील होता है एज कम्पेयर टू 120 हर्ट्ज, तो ये डिफरेंस है। बट भाई सैमसंग हमारा पीछे नहीं है, सैमसंग के पास 1750 निट्स की पीक ब्राइटनेस और मोटोरोला के पास 1400 निट्स की पीक ब्राइटनेस, जिसकी वजह से इंडोर में भी फर्क दिखता है, आउटडोर विजिबिलिटी में ऐसा नहीं है मोटोरोला कमजोर है, लेकिन मोटोरोला से ज्यादा ब्राइट है सैमसंग आउटडोर कंडीशन के अंदर। और ये फर्क जब भी नोट होता है जब आप HDR कंटेंट स्ट्रीम कर रहे हो, HDR कंटेंट स्ट्रीम करते हो साफ देखने के लिए मिलेगा कि सैमसंग की डिस्प्ले थोड़ी सी ज्यादा ब्राइट है। बाकी नॉर्मल कंटेंट वॉच करते हो वहां पर मेरे को ज्यादा डिफरेंस नहीं मिला, दोनों ही HDR कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं और दोनों की कलर एक्यूरेसी भी ऑलमोस्ट सिमिलर सी है। बाकी मैंने आज तक फ्लिप और फोल्ड फोन के अंदर ना वीवो को छोड़ के, वीवो के अंदर ही था इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, बाकी किसी कंपनी ने नहीं दिया। तो यहाँ पर भी साइड माउंटेड मिलता है दोनों के अंदर, दोनों की स्पीड और रिकॉग्निशन ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। और हैप्टिक्स की बात करते हैं भैया, तो सैमसंग ने कोस्ट कटिंग करी है, यहाँ पर स्प्रिंगी हैप्टिक्स मिलते हैं। मोटोरोला आपको थोड़े से सॉलिड हैप्टिक्स ऑफर करता है जो कि चलाने में ज्यादा प्रीमियम फील होते हैं। अब बात करते हैं साल के सबसे बड़े चेंज की, जो फ्लिप फोन के अंदर देखने के लिए मिला है, वो है कवर डिस्प्ले का साइज। भाई मोटोरोला ने तो कैमरे के आसपास भी डिस्प्ले लगा दी, बस सैमसंग ने यहाँ से कट कर दिया, जिसकी वजह से सैमसंग कवर डिस्प्ले का साइज 3.4 इंच का है और मोटोरोला का 3.6 इंच का। और मोटोरोला की जो कवर डिस्प्ले 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है अगेन, एंड इसके साथ दिक्कत ये है कि भाई ये सिर्फ गेमिंग में सपोर्ट करता है और गेम में कर लेता है इतना हमने देखा है, लेकिन अगर आप नॉर्मली भी स्वाइप अप स्वाइप लेफ्ट कर रहे हो ना तो ये 90 हर्ट्ज में चलता है और सैमसंग में 60 हर्ट्ज का पैनल मिलता है। और सैमसंग और इसको जब आप यूज कर रहे हो ना तो मोटोरोला ज्यादा स्मूथ अलग ही फील हो जाता है। इसके अलावा मोटोरोला की कवर डिस्प्ले के पास पिक्सल पर इंच डेंसिटी भी ज्यादा है, जिसकी वजह से अलग ही शार्पनेस फील हो जाती है जब आप दोनों डिस्प्ले को साइड बाय साइड कंपेयर करोगे। और वहीं पर सैमसंग में लगता है कि भाई हाँ रेजोल्यूशन की कमी है, लेकिन सैमसंग में एक बात अच्छी है भाई, कवर डिस्प्ले से ही आप ना वॉलपेपर चेंज कर सकते हो, इस पे होल्ड करके रखो और फिर आप कोई भी वॉलपेपर लगा लो। मोटोरोला में सेटिंग्स के अंदर जाना पड़ता है, उसके बाद ही वॉलपेपर चेंज होता है कवर डिस्प्ले का। बट भाई सैमसंग के पास सबसे बड़ी डिसएडवांटेज जो मेरे को लगी है, जैसे ही आपके पास बाय डिफॉल्ट ये फोन आएगा तो इसमें 4 ही सिस्टम ऐप के विजिट मिलते हैं जिन्हें आप एसेस कर सकते हो। तो अगर आपको नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक जैसी एप्लीकेशन यूज करनी है, गेम खेलना है, तो आपको गुड लॉक में जाके एक ऐप का सहारा लेना पड़ेगा, उसके बाद सेटिंग छेड़नी पड़ेगी जब जाके वो बाहर चल पाएंगी। और उसके बाद भी सीन ही है, जैसे कि आपने बाहर कवर डिस्प्ले पे कोई ऐप ओपन करी है और आप फोन को अनफोल्ड करते हो तो वो अंदर तो चल जाएगी, लेकिन अगर आपने कोई अंदर चलाई हुई एप्लीकेशन और आप फोन को फोल्ड करते हो तो वो बाहर नहीं चलेगी। और इसकी कोई सेटिंग भी नहीं है, कभी आगे कमेंट में कुछ ज्ञानी बनेंगे तो ऐसा भी नहीं है। वहीं पर मोटोरोला के सिस्टम में पहले से इस चीज का सपोर्ट मिलता है कि आप बाहर कौन सी एप्लीकेशन चलाना चाहते हो, और अगर आपको ट्रांजिशन में यूज करना है तो एक बार ऐप में ट्रांजिशन अलाउ कर दो, फिर आप अंदर बाहर दोनों ही चला सकते हो एप्लीकेशन को। तो मेरे को मोटोरोला इस मायने में सही लगा। बाकी दोनों की कवर डिस्प्ले में आप एप्पल म्यूजिक, स्पॉटिफाई वगैरह यूज कर सकते हो, जिम के टाइम में बार बार फोन को अनफोल्ड या फोल्ड करने की जरूरत नहीं है, बाहर से पूरा एक्सेस कर लोगे। और खाना खाते टाइम अगर आपको यूट्यूब वीडियोस देखनी है, वो वाली जिसके अंदर देखने से ज्यादा सुनने में मजा आए, जैसे अपने ध्रुव भाई की या कोई पॉडकास्ट सुनने हो, तो भाई वो दोनों में बाहर चल जाती है। और भाई दोनों के अंदर आप मैप भी यूज कर सकते हो कवर डिस्प्ले में। अब यहाँ पर मेरे को सैमसंग एक चीज में अच्छा लगा, सैमसंग ने भले ही कैमरे के आसपास डिस्प्ले नहीं दिया है, लेकिन सैमसंग ने डिस्प्ले का यूज ज्यादा अच्छे से लिया है। जैसे आप देखोगे कि मोटोरोला में नीचे की तरफ ब्लैक बार आ जाता है, फुल साइज में नहीं आती डिस्प्ले, वहीं पर सैमसंग के अंदर जितनी भी डिस्प्ले है ना उसमें ही ऐप खुलती है पूरी। तो ये बात मेरे को अच्छी लगी है, मोटोरोला में सिर्फ आप UI को चला पाओगे फुल डिस्प्ले में, जिसकी वजह से जब आप दोनों के अंदर सेम एप्लीकेशन ओपन करोगे ना कवर डिस्प्ले में, तो सैमसंग की डिस्प्ले में बड़ी लगती है। अब उस चीज की बात करेंगे जहां पर मेरे को लगता है फ्लिप और फोल्ड फोन उस चीज के लिए बने नहीं है, वो है कैमरास। दोनों में 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, अब मोटोरोला के अंदर 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है
और जो सैमसंग है इसमें स्टिल 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग 4K 60 fps में दोनों कर सकते हैं। यहाँ पर हमने उसी में रिकॉर्ड करी है और देखने के लिए मिलता है सैमसंग लाइट कंट्रोल करने के चक्कर में ना ब्लू ब्लू कर देता है। मेरी व्हाइट पैंट थी इसने ब्लू बना दी। वहीं पर मोटोरोला काफी अच्छे कलर से रखता है, बस मोटोरोला के पास दिक्कत है अगर आप जूम करोगे ना तो पिक्सलेशन बहुत दिखेगी। तो यहाँ पर दोनों के पास 50-50 में कहूंगा। अब यहाँ पर फोटो में भी सेम ही सीन देखने के लिए मिला है। सैमसंग लाइट कंट्रोल करने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही डल कर देता है फोटो, इतनी लाइट कंट्रोल नहीं थी भाई, काफी ज्यादा उजाला था उस दिन जिस दिन हम जयपुर गए थे। बाकी यहाँ पर जब आप फूल वगैरह की फोटो क्लिक कर रहे हो ना, मतलब ज्यादा ब्राइट कलर्स की फोटो क्लिक कर रहे हो, तो वहां पर सैमसंग काम आ जाता है एक बार को लाइट कंट्रोल करने के चक्कर में। बाकी यहाँ पर जितनी अपने अपनी फोटो क्लिक करी मैंने देखा मैक्सिमम कंडीशन में मोटोरोला से बेटर सैमसंग परफॉर्म कर रहा था। हालांकि दोनों के ही कैमरास अपने प्राइस पॉइंट पर जस्टिफाई नहीं कर रहे थे जितना मैंने देखा है। यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन वगैरह बढ़िया है, लेकिन इस प्राइस रेंज के अगर मैं कोई दूसरा फोन लिया हूं ना, यहाँ तक कि सैमसंग का खुद का लिया हूं, तो ये फ्लिप फोन के कैमरास को पीट देगा। अब यहाँ पर नाइट मोड के अंदर भी सेम सीन था, नाइट मोड दोनों का ही अच्छा नहीं था, बट स्टिल सैमसंग का बेटर था मोटोरोला कंपैरिजन में। मोटोरोला में पिक्सलेशन अगेन देखने के लिए मिल रही थी। और अल्ट्रा वाइड के साथ भी सेम ही सीन था, सैमसंग का अल्ट्रा वाइड स्टिल थोड़ा सा बेटर है। अब यहाँ पर हम आपसे एक चीज के लिए क्षमा मांगना चाहेंगे, क्योंकि हमारा मोटोरोला का फोन चला गया है तो हमारी भाई फाइल डिलीट हो गई थी फ्रंट कैमरे की। तो हमने भाई कुछ जुगाड़ लगाया, दोनों के कैमरास कंपेयर करे और यहाँ पर देखने के लिए मिला कि सैमसंग का जो फ्रंट कैमरा है जो 10 मेगापिक्सल का है स्टिल और मोटोरोला में 32 मेगापिक्सल का, वो भाई बीट कर देता है मोटोरोला के कैमरा को। तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा सैमसंग का ज्यादा अच्छा है और दोनों में अच्छी बात यह है, हालांकि अगर आप व्लॉगिंग वगैरह करते हो तो मेन कैमरे से ही कर सकते हो कवर डिस्प्ले में देख के। दोनों की कवर डिस्प्ले को आप ऑन कर सकते हो फोटो वगैरह क्लिक करते हो। जब आप किसी बंदे की फोटो क्लिक करोगे तो वो बंदा कवर डिस्प्ले से ये देख के पता लगा पाएगा कि आप उसकी कैसी फोटो क्लिक कर रहे हो। अब कैमरे के साथ साथ जहां पर एक और जगह लगता है कि भाई हाँ यहाँ पर भी थोड़ी सी कटौती की जाती है अच्छी चीज डालने के बाद भी, वो है प्रोसेसर। दोनों के अंदर प्रोसेसर में डिफरेंस है पूरी एक जनरेशन का। मोटोरोला में 8 प्लस जेन 1 प्रोसेसर है, सैमसंग में 8 जेन 2 प्रोसेसर है। और ऑन पेपर देखोगे 8 जेन 2 ज्यादा बेहतर देखने के लिए मिलता है, बट हमने आज तक किसी भी फोल्ड या फ्लिप फोन के अंदर कोई भी तगड़ा प्रोसेसर अच्छे से परफॉर्म करते हुए नहीं देखा है। रीजन है क्योंकि भाई इसके अंदर काफी ज्यादा मैकेनिज्म होता है और स्पेस कम होता है, हीट डिसिपेशन एरिया कम हो जाता है, तो कंपनी को अंडरक्लॉक करके डालने पड़ते हैं प्रोसेसर ताकि फोन हीट ना और ठीक ठाक परफॉर्मेंस मिले। तो यहाँ पर भाई मैं शॉक हो गया था जब मैंने दोनों का सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट रन कराया था। एक जनरेशन पुराना प्रोसेसर होने के बाद भी दोनों का जो स्कोर था वो 43% की कंसिस्टेंसी मिली थी। तो यहाँ पर थ्रॉटलिंग दोनों के अंदर मस्त देखने के लिए मिल रही है, मतलब हद से ज्यादा। और दोनों के अंदर कमाल की बात ये एंटूटू रन ही नहीं हो रहा, तो यहाँ पर मेरे को नहीं पता कि फ्लिप के अंदर शायद एंटूटू एप्लीकेशन बंद कर दी गई है। तो भाई ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बाकी यहाँ पर हमने दोनों को 15 दिन जितना भी यूज करा अपने सिम में डालने के बाद, तो मैं इतना कह सकता हूँ मल्टीटास्किंग दोनों के अंदर आराम से हो जाएगी, स्प्लिट विंडोज भी यूज कर सकते हो आप, और यहाँ पर किसी तरीके का लैग वगैरह मैंने फोन के अंदर नहीं देखा। बस यही है कि मोटोरोला 144 हर्ट्ज की वजह से थोड़ा सा ज्यादा स्मूथ फील होता है। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग दोनों की लगभग बराबर ही है, बस फर्क ही आता है मोटोरोला को अगर आप ऑन पेपर देखोगे तो उसके अंदर UFS 3.1 की स्टोरेज है, सैमसंग के अंदर UFS 4.1 की स्टोरेज है। तो सैमसंग के पास हार्डवेयर थोड़ा ज्यादा सॉलिड है। और सैमसंग के पास एक चीज और अच्छी है, वो है भाई अगर आप टाइप सी पोर्ट देखोगे ना दोनों के अंदर, तो सैमसंग के पास 3.0 USB पोर्ट है और मोटोरोला के अंदर USB 2.0 पोर्ट है, तो ये भी एक डिफरेंस है। तो डेटा ट्रांसफर स्पीड भी सैमसंग की ज्यादा अच्छी है। बाकी यहाँ पर नॉर्मल यूजेज में मेरे को ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा, चाहे हार्डवेयर कैसा भी हो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलरली परफॉर्म करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आई है। और गेमिंग की बात करें तो भाई फ्लिप फोल्ड फोन के अंदर मैं गेमिंग के लिए पहले भी नहीं बोलता था, अब भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि डिस्प्ले नाजुक होती है और ऊपर से इनकी परफॉर्मेंस भी तगड़ी नहीं होती। तो यहाँ पर सिमिलर सी हमें गेमिंग मिली है। अगर आप माइंड फ्रेश करने के लिए गेम प्ले करना चाहते हो कर सकते हो यहाँ पर, वैसे अगर आप हार्डकोर गेमर हो तो मैं कहूंगा कि किसी दूसरे फोन को देख लेना। अब यहाँ पर सैमसंग के पास जो एडवांटेज है वो ये फोल्ड और फ्लिप होने के बाद भी IP रेटिंग देते हैं, वहीं पर मोटोरोला ने किसी तरीके की IP रेटिंग नहीं दी है, बट हल्के फुल्के पानी जाने से बचा लेगा, वो वाटर रेपेलेंट डिजाइन के साथ आता है। इसके अलावा आप बैटरी पे चलें, जो कि मेन कंसर्न होता है फ्लिप या फोल्ड फोन के अंदर, क्योंकि भाई आज तक बैटरी बैकअप हमने अच्छा देखा ही नहीं। तो मोटोरोला के पास 3800 mAh की बैटरी है और सैमसंग के पास 3700 mAh की बैटरी है। तो ऑन पेपर 100 mAh मोटोरोला ज्यादा आता है सैमसंग कंपैरिजन में, बट ऐसा नहीं है सिर्फ ऑन पेपर, हमने दोनों को खुद से यूज कराया फोनों को और भाई ये चीज कही जा सकती है, लाइक मोटोरोला के पहले हमने फोन देखे थे 30,000 में जो कम mAh बैटरी के साथ आए थे, उन्होंने क्या तगड़ा बैटरी बैकअप दिया था। सेम सीन यहां पर है, मैंने दोनों को सेम टाइम पे यूज करना स्टार्ट करा चार्ज करके फुल, और मैं ये चीज कह सकता हूं कि आराम से मोटोरोला का जो बैटरी बैकअप 25% ज्यादा मिलता है सैमसंग कंपैरिजन में। तो यहां पर बैटरी बैकअप के मामले में अगर आपको बाय करना है दोनों में से कोई फोन, तो मोटोरोला सीधी चॉइस होने वाली है मेरी तो। और इसी के साथ वायर्ड चार्जिंग की स्पीड भी जो है मोटोरोला के पास ज्यादा है, 30 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग मिलती है और सैमसंग के पास 25 वोल्ट की, और सैमसंग भाई चार्जर भी नहीं देता बॉक्स में, इस चीज का भी दर्द है। बट सैमसंग के पास एक चीज अच्छी है, वायरलेस चार्जिंग 15 वोल्ट की मिलती है, मोटोरोला के पास सिर्फ 5 वोल्ट की है, और मोटोरोला के पास रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी नहीं मिलती, सैमसंग के पास 5 वोल्ट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग मिलती है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा भाई। तो ऑल ओवर आपके भाई ने सारे पॉइंट रख दिए दोनों ही फोन के, अब आप खुद देख सकते हो कि आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से कौन सा फोन फिट हो रहा है। बट यहां पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो सैमसंग के फोल्ड
फ्लिप फोन में पिछले कुछ सालों से यूज कर रहा हूँ और भाई उनके अंदर दिक्कत होती है एक बैटरी बैकअप की और दूसरा हिंज कुछ टाइम के अंदर ही खराब होना चालू हो जाती है। यहाँ तक कि डिस्प्ले में तो नगर पालिका का गड्ढा बढ़ता रहता है। अब मैं मोटोरोला का फोन पिछले कुछ महीने से यूज कर रहा हूँ ना भाई, ना तो उसमें क्रीज का साइज बड़ा है और हिंज भी काफी ड्यूरेबल लग रही है और बैटरी बैकअप तो है ही सॉलिड। तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि मेरे को मोटोरोला का फ्लिप फोन यूज करके वो मजा मिल रहा है जो सैमसंग नहीं दे पा रहा है। बाकी हमने वीडियो के अंदर सारे पॉइंट बताए दिए हैं। 10,000 रुपए का गैप है, आप अपनी पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से अपनी चॉइस के हिसाब से फोन को बाय कर सकते हो। वैसे हमने पूरी वीडियो अनबायस्ड बनाने की कोशिश करी है बहुत ही अलग तरीके से। तो अगर आपके वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार आया। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था। मेरा नाम है पीयूष, तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आया गाइस वो करें टू वॉच योर हार्ट, फिर स्टे ट्यून्ड विद द एचएफईएन बॉक्स गाइस।